सदन में घोषणा किए है कि हम किसी स्थिति में सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे। अपनी जांच तो बताओ क्या कर रहे हो। इसलिए हमने ये भी कहा है कि लेवल टू में मैंने आंकड़े दिए थे, मैंने जो भी तथ्य अब तक दिए मीडिया को सारे सच निकलते जा रहे हैं कि लेवल टू में 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं और लेवल वन में 78,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आज तक के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वो आंकड़े, चलो रहने दो, आप सीबीआई जांच नहीं कराओगे, वो आंकड़े हाउस सदन के पटल पर रख दें ताकि राजस्थान की जनता की आंख खुल जाए कि कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी अब पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो या CBSE UP BR राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लाए नंबर 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग कलम के और कैमरा के सिपाही हैं और कोरोना के समय भी आपने जंग लड़ी। रीच में जो धांधली हुई उसे एक्सपोज करने में आप सब ने एक बड़ा रोल निभाया। मैं आपको और राजस्थान के नौजवानों को, युवाओं को भी धन्यवाद देता हूँ। आपके दबाव की वजह से रीच की लेवल 2 का जो पेपर है वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने रद्द किया, नहीं तो आप जानते हैं कि किस किस तरह के बयान आ रहे हैं। महज 300 लोगों तक ही पेपर पहुंचा है, सब कुछ ठीक है, इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन आप सब ने दबाव डाला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपके माध्यम से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने न्याय नहीं करा। अभी जो लाखों अभ्यर्थी थे, राजस्थान के नौजवान हैं, वो न केवल इस रीट की भर्ती बल्कि पिछले कई भर्तियों के अंदर उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए न्याय अभी अधूरा है। और आपसे मेरी विनती है कि जो हाथ में किताब लिए हमारे राजस्थान के युवा जो भटक रहे हैं, उनकी मांग है कि रीच की सीबीआई की जांच हो। राजस्थान विधानसभा के अंदर हमारे विधायकों की ये मांग है कि रीच में सीबीआई की जांच हो। अब आप मुख्यमंत्री साहब, अपनी गांधीवादी छवि है आपकी, इसलिए मैं निहायत ही गांधीवादी तरीके से प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आपसे अपील कर रहा हूं एक पोस्ट कार्ड लिखकर कि आप सीबीआई की जांच करवाइए। ये हमारा तरीका है विरोध करने का, जिसमें प्रोटोकॉल भी है कोरोना का और गांधीवादी तरीका भी है। और मेरी अपील है राजस्थान के सभी युवाओं से और उनके पेरेंट्स से भी कि आप सब अपने घर बैठे इस विरोध को दिखा सकते हैं और राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बचा सकते हैं। हम टीचरों की भर्ती इस तरह से करेंगे, इस धांधली से? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है राजस्थान को। और मैं ये भी जानता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, मैं खुद सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ हूं, लेकिन हम सब दिल से देसी हैं और ये तरीका है कि हम राजस्थान की सरकार को घुटने पे ला सकते हैं। गलत काम के लिए, सही काम के लिए हम शाबाशी देंगे, लेकिन गलत काम के लिए हम अपील करेंगे, विरोध करेंगे। और ये मेरा एक तरीका है, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि राजस्थान सरकार को एक पोस्ट कार्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखिए। और मैंने क्या लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र अपील, रीट धांधली की सीबीआई जांच हो। सादर राज्यवर्धन।
ये मेरा पत्र। सर, इस मांग को लेकर विधानसभा चल रही है, चार विधायकों का माइक डालो, माइक डालो,